सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14, पंचभुज शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने पंचभुज आधार पर एचपी पर खड़ा है और भुजा एक्स वाई के समानांतर है और एक शीर्ष तुम्हारी और है, भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, एक्स वाई लेनी है। सबसे पहले यहां से हम एक्स वाई ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारी है एक्स और वाई रेखा है इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके सेंटर में हमने जो है 3 सेंटीमीटर लेना है क्योंकि पंचभुज जो है वो इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो हमने यहां से 3 सेंटीमीटर लेना है। यह आप देख सकते हैं इस तरह से, यहां से हमने 1 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन लगानी है। से हम इसको मिला लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल 3 सेंटीमीटर है। ये जो आपकी रेखा है इसका हम नाम दे देते हैं ए और ई, यहाँ पे ए और ई हम दे देते हैं। अब ये हमारा जो पंचभुज है इसका मैंने आपको एंगल बताया था कितने डिग्री का होता है, यदि आपने लास्ट के 2 प्रश्न आपने पढ़े होंगे। इससे पहले हम पंचभुज के 2 प्रश्न पढ़ चुके, एक आपका प्रश्न नंबर था 6 आपका और एक हमने बनाया था इसमें प्रश्न नंबर 10। तो ये पंचभुज के 2 प्रश्न पहले भी बना चुके हैं तो मैं यहाँ एंगल नहीं बता रहा हूँ, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका एंगल कितने डिग्री का होता है पंचभुज का, ये कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लिख के बताना है। मैं यहाँ एंगल बिल्कुल भी नहीं आपको बता रहा हूँ, आपने खुद मुझे कमेंट करके बताना है कि ये इसका सर इतना एंगल है। नहीं आपको पता चल रहा है तो आप प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं और वहां से आप इसका पता कर सकते हैं कि कितने डिग्री का इसका पंचभुज का कोण होता है। इस तरह से हमने एक कोण इसका बना लिया है, अब मैं यहां से इसका दूसरा कोण भी बना रहा हूं। यदि आप आइडिया लगा सकते हैं तो आप आइडिया लगा लो, पर मैं यहां बता नहीं बिल्कुल भी रहा हूं आपको। जैसे मैंने इसके 2 कोण निकाल दिए हैं, अब हमने क्या करना है, जितना ये आपकी एक भुजा है इतनी प्रकार खोल के मैं हल्का सा यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारी रेखाएं मिल जाएगी। तो यहाँ मैं इसको मिला लेता हूँ इस तरह से और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा पंचभुज बन के तैयार हो गया है। ये आपका पॉइंट है बी, ये हमारा है सी, ये हमारा है डी। इस तरह से अब हमने क्या करना है, इसके हमने जो कोण है इनका हमने आधा करना है। शुंडाकार में हमने सेंटर जरूर निकालना होता है हर शुंडाकार में, बिना सेंटर के शुंडाकार आपका बनेगा ही नहीं। जैसे ये आपका है तो यहाँ हमने इसको ये कोण आपका इसके साथ मिलाना है, हमने आधे तक रेखा लगानी है। इसी तरह से हमने यहाँ पे हम लगभग 2 रेखाओं को हम जो है निकाल सकते हैं, 2 कोण हम निकाल लेंगे, 2 का हाफ कर लेंगे, बाकी हमारी वहीं पे मिलेगी। जैसे ये हमारी आ रही है तो ये देखिए यहाँ पे मिल रही है, तो बाकियों का हमें आधा निकालने की अब जरूरत नहीं है, हम इसको यहीं पर मिला देंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं और यह इस तरह से ये आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट आ गया ओ। अब हमने क्या करना है,
इसके प्रोजेक्शन लेने हैं सबसे पहले एक्स वाई तक, तो हमने यहाँ से ये आपका बी पॉइंट है, बी के हमने प्रोजेक्शन लेने एक्स वाई तक, यहाँ से डॉटेड हम ले लेंगे इस तरह से। ए का प्रोजेक्शन हमने पहले ही ले रखा है, तो हमने लेना है सी का प्रोजेक्शन यहाँ से एक्स वाई तक, तो यहाँ से हम डॉटेड ले लेते हैं हाफ तक, ये आपका डार्क पहले से ही है इस तरह से। और ये आपका ई आ गया, तो हमारा है डी पॉइंट है, तो ये हम इस तरह से यहाँ से इसको ये आप देख सकते हैं, हम इनके पॉइंट के यहाँ नाम लिख लेते हैं। ये हमारा है बी, ये है आपका ए, ये सभी पॉइंट हमारे यति के साथ आएंगे। ये हमारा है सी, ये आपका है ई, ये आपका है डी। अब हमने क्या करना है, जो इसका सेंटर है वो हमने उठाना है, और ये हमारी जो है ये रेखा हमारी है 4 सेंटीमीटर की, तो हमने सेंटर से 4 सेंटीमीटर जो है वो ऊंची यहाँ पे इसकी ऊंचाई देनी है इसके शीर्ष की, यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये हमारा 4 सेंटीमीटर है इस तरह से। ये इसने कहा था कि इसका एक शीर्ष तुम्हारी ओर है, तो ये जो हमारा शीर्ष सी जो शीर्ष है ये हमारी ओर है, ये इसलिए इसने प्रश्न में ही कह दिया था कि जो आपका पंचभुज एक बनेगा इसका एक शीर्ष तुम्हारी ओर है। तो इस तरह से आप चाहो तो फुट्टे से भी इसको नाप सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर रेखा है, तो ये बिल्कुल आपकी 4 सेंटीमीटर रेखा है। और हमने क्या करना है, ये ए और ई जो कोण है आपका, जो ये पॉइंट आ रहा है ये बी और डी के पीछे दब चुके हैं, ये पीछे आ रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल इसके पीछे है, तो ये डॉटेड हमारे आएंगे, तो इनको हम पहले लगा लेते हैं यहाँ पे डॉटेड, इस तरह से। और ए को भी हम डॉटेड मिलाएंगे यहां से, इस तरह से। और डी पॉइंट को हमने, इसको भी हमने यहां मिलाना, और ये हमारा आएगा डार्क, ठीक है। ये हमारा है ओ, और बी को भी हमने ओ के साथ यहाँ पे डार्क मिला देना है इस तरह से। ये हमारा प्रश्न नंबर है 14। इस तरह से ये आपका प्रश्न जो है बन के तैयार।